दोस्तों, भले ही दूसरे वनडे में श्रीलंका ने भारत को हराया हो, लेकिन अब जीत के बावजूद भी श्रीलंका की टीम पर बीसीसीआई ने लगाया कितने करोड़ रुपए का जुर्माना और 2 साल का प्रतिबंध। आखिरकार आप भी जानना चाहते हैं श्रीलंका पर जुर्माना क्यों लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीते कल भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच में दूसरा वनडे मैच खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन ठोके 9 विकेट खोने के बाद, जिसमें अविष्का फर्नांडो ने 40 रन लगाए। मगर टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी कराते हुए सबसे ज्यादा वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट चटकाए, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा भारतीय टीम नहीं कर पाई और केवल 42.5 ओवर तक 208 रन के स्कोर तक ऑल आउट हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा रोहित शर्मा ने 64 रन का योगदान दिया और अंत में अक्षर पटेल ने 44 रन का योगदान दिया और कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कमाल नहीं कर पाया। और इस तरीके से भारतीय टीम को दूसरे वनडे में श्रीलंका के हाथों 34 रन से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, भले ही श्रीलंका ने दूसरा वनडे मैच जीत लिया हो, लेकिन अब स्लो ओवर रेट के चलते बीसीसीआई ने श्रीलंका की टीम पर बड़ा जुर्माना लगा दिया। दोस्तों, स्लो ओवर रेट वो होता है, एक निश्चित टाइम के अंदर दोनों टीमों को ओवर फेंकने होते हैं, मगर श्रीलंका की टीम इस कारनामे को नहीं कर पाई और 5 मिनट लेट होने के चक्कर में श्रीलंका की टीम पर बड़ा जुर्माना लग गया।